2019 का आम चुनाव होने वाला है। राजनीतिक पंडित अपने अपने अनुभव के अनुसार आने वाले समय में देश की राजनीति में क्या उथल-पुथल होने वाली है, अगले चुनाव में कौन प्रधानमंत्री बनेगा या वर्तमान प्रधानमंत्री का पद छिन जाएगा, इसके बारे में बताते रहे हैं। अगर राहुल गांधी की वर्तमान कुंडली की बात करें तो वे दमदार नेतृत्व के साथ उभरेंगे, मगर क्या उनकी कुंडली के ग्रह आगामी 4 माह बाद देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे या नियति उनके साथ कुछ और करेगी, ये तो समय ही बताएगा। जानिए राहुल गांधी की असली कुंडली के ग्रहों के अनुसार क्या होगा उनका राजनीतिक भविष्य। ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी ने पत्रिका.com को राहुल गांधी के भविष्य के बारे में बताया। ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी ने बताया कि राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को सुबह 6 बजे दिल्ली में हुआ था। मिथुन लग्न और धनु राशि के जातक राहुल गांधी का जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ है। कुंडली के अनुसार प्रधानमंत्री के घर में जन्म लेने के कारण राहुल गांधी को समाज में प्रसिद्धि तो मिलेगी, लेकिन स्वयं का दमदार व्यक्तित्व नहीं होगा। वर्तमान में राहुल गांधी के ऊपर मंगल की अर्थात छठे भाव की महादिशा चल रही है, जो कि 10 फरवरी 2024 तक रहेगी। साथ ही वर्तमान में शनि की 7.5वीं भी राहुल के ऊपर चल रही है एवं शनि नीच का होकर यानी मेष राशि का होकर एकादश भाव में पड़ा हुआ है, जो कि राजनीति के भाव यानी पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहा है, जो कभी भी समाज की सहमति से उच्च पद नहीं दिलाएगा। राहुल गांधी की कुंडली के ग्रहों की चाल से पता चलता है कि 2019 के चुनाव के बाद जब अगला चुनाव 2024 का होगा, तब तक शायद राहुल गांधी पूरी तरह राजनीतिक परिदृश्य से दूर हो जाएंगे।